मॉम को कर रहा हूँ मैं बहुत मिसेज दा, लपी ने नहीं दिया मुझे कल गाल पे किसेज दा। भैया यहाँ पे मैडम चौकी से लपलपा गई है और आपको लप्पी की पड़ी हुई है। यार गोपी कौन, यार कौन, अब तू ही बता कौन मेरे मोटे मोटे गालों में अपने गोरे गोरे हाथों से लपटे मारेगा। यार तू ही बता यार, कर रहे सर आप अपने आप पे काबू पाइए सर। इस बात को मान लीजिए कि मैडम के जाने की वजह से हमारी खुशियों का तंबू उखड़ चुका है, हमारे गम का पापड़ भून चुका है, दर्द का दूध फट चुका है और सुख का हलवा हमारे सामने से हट चुका है सर। या सर अब हम सबको मिलकर चलानी होगी ये चौकी इज्दा। आई डोंट लाइक टिंडा त्रोई लौकी इज्दा। पता है भे, पता है मिस चौटाला ने जिस जिम्मेदारी को जामुन को तोड़ने की जिम्मेदारी दी है हम उसे तोड़ेंगे, चौकी चलाएंगे, चौकी को दौड़ाएंगे, संभालेंगे चौकी को। सर ये माथे पे कौवा चोंच मार गया। नहीं बे, हमें लगा मिस चौटाला थी, हम जोर से गले मिलने गए, खंबा निकला। अरे हम लुट गई, बर्बाद हो गई, सिंगापुर से इलाहाबाद हो गई पल्लू घुमा के। क्या बात कर रहे हैं आंटी, पल्लू घुमा के मतलब पल्लू लटके तो सुना था लेकिन ये हटके वाला जो है ना आपका, ये पहले कभी सुना नहीं। अरे भैया ये हमारी बिटिया, हमें इसकी मैया, हम दोनों ये गैया और ये पल्लू घुमा के, ये हमारा बड़ा फेमस तकिया कलाम है। आप सबको हमारा सलाम है। क्यों बिटिया? हाँ मैया, हमारी जिंदगी संतरे से मौसम भी हो गई। हम दोनों माँ बेटी को दो लोगों ने लूट लियो, हमारा सपना टूट गयो। टेडी राजस्थानी है। कौन लूट गया तुम्हें, कहाँ लूट गया तुम्हें, कब लूट गया तुम्हें, कैसे लूट गया तुम्हें, क्यों लूट गया तुम्हें? निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब कई बताऊं, हमारी सगाई वही रही थी, जड़ी वास्ते बारह बंकी से माँ अठे आया, अठे आई ने दो लोगों ने हमारी माँ ने और माने लूट लियो। डैडी राजस्थानी है। Well, baby, what is the name is the उदयपुर में ट्रैफिक जैम is the? मैं बिलोटी हूँ। और मैं बिल्लू हूँ। नहीं नहीं, मारो नाम बिलोटी शिव हरे है। नमस्ते, और हम हैरी बिलोटी की अम्मा, राम सखी शिव हरे पल्लू घुमा के। हाँ ठीक है ठीक है। सुनिए आंटी, आपकी बेटी ने जो वो कंफ्यूजिंग वे में बोला है आप जरा इजी करके बता दीजिए कि हुआ क्या है, हैं? भैया बात ये है रही है कि हमारी बिटिया बिलोटी के लिए रिश्ता आया, लड़के वालों ने हमें सगाई करने के लिए बुलाया, तो हम दोनों माँ बेटी मुंह उठा के चली आई पल्लू घुमा के। अरे भैया सगाई के टाइम पे लड़के वालों ने कचौड़ी खिला के हम दोनों को बेहोश कर दे मारा। अब बताओ ये हमारी बिटिया, हम उसकी मैया, हम दोनों हो रही हैं गैया, क्या करती बताओ। अरे लड़के वाले हम दोनों के सारे गहने लूट के भाग गए। हम क्या करती हाँ, अरे हम यहाँ भगी भगी चली आई, हमने कहा चलो चल के रिपोर्ट लिखा दे पल्लू घुमा के। अरे अरे अरे, तो बहुत बुरा हुआ आप लोग के साथ है? दिखने में तो काफी शरीफ लग रहे हैं ये लोग। और ये बिलोटी तो बहुत ही सीधी लग रही है मुझे। बे? चलो एक काम करते हैं, जिस मैरिज हॉल में इनकी सगाई हुई उस मैरिज हॉल के मैनेजर को जरा बुलवाओ चौकी में। ओके। तो
तुम हो वो दूल्हा दुल्हन हॉल के मैनेजर। हम हाई मैनेजर, चालू है रेफ्रिजरेटर चौड़े में। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द है। हम हाई मैनेजर चालू बंगाली एक बीबी 8 साली चौड़े में। ओहो, क्या बात कर रहे हो आप, एक बीवी और 8 सालियां हैं आपकी। और यहाँ मुझे देख लो, मेरी अभी तक तो कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई है मेरी अभी तक। ये यार बिल्लू यार, तू रोया मत कर यार ऐसे। नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। तेरी शादी होगी यार बिल्लू, और जरूर होगी। और जब तेरी बीवी अपने हाथ से बनाए पुलाव, तो जरा हमें भी खाने पे बुलाओ, खाके उसके हाथ का हलवा जम के करेंगे जलवा। अबे तुम लोग की फ्यूचर अगर प्लानिंग हो गई है तो हम जरा केस में ध्यान दे दे बे। हैं जी सर, सॉरी, दे दो। सॉरी सॉरी, हमारी भी शादी नहीं हुई है। खैर मिस्टर चालू बंगाली, जिसकी ये एक बीवी और 8 साली लकी है, है? तो कल तुम्हारे मैरिज हॉल में जरा कुछ फंक्शन वंक्शन हुआ था ना? हाँ हुआ था, कार्यक्रम हुआ था। क्योंकि हम है मैनेजर, हमको पता है चालू है रेफ्रिजरेटर चौड़े में। वेल, किसने करवाया था हाल बुक इसदा, एक माँ बेटी को दे गया कोई दुख इसदा। हाँ, और वो जो माँ है ना बेचारी, वो एकदम गऊ है, और बेटी बिलोटी वो तो बहुत ही सीधी है यार। बताता है, हम सब बोलता है, देखो रजिस्टर खोलता है, अभी उसका नाम बोलता है, उसका क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था। हाँ देखो, उसका नाम था लालू लुटेरा। अरे पैसा भी नहीं दिया पूरा मेरा। लेकिन माँ बेटी ने जो नाम बताया था वो ये तो नहीं था। अरे नहीं नहीं, ये देखो इधर गया, ये वही है, इसका कचौड़ी हम भी खाया था चौड़े में। इसका मतलब ये लोग बड़े शातिर हैं और इस काम में बड़े माहिर हैं, और ऐसे भोले वाले लोग को उल्लू बनाते हैं, गलत नाम लिखते हैं और फिर लूट के निकल जाते हैं। किसी भी तरह ये कचौड़ी गैंग को तो पकड़ना ही होगा। भैया, वेल व्हाट इज द मैटर इज द, क्या किसी ने दे दिया है तुम्हें लव लेटर इज द? लव लेटर नहीं दिया भैया, बात कुछ और हो गई है। बस 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 बिल्लू, बस मैं समझ गया हूँ क्या बात है, जरूर तुझसे कोई लड़की पट गई है, राइट? नहीं नहीं, पता है यार, मतलब जो कुछ है यार बोल डाल, बंद जुल्फों को खोल डाल। नहीं नहीं गुलगुले जी, बात ये भी नहीं है। वेल व्हाट इज द बात इज द, कल मेरा टूट गया एक दांत इज द। भैया वो बात ये है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में। क्या हुआ, धोबन ने तुझे पीट दिया या नौकरानी ने घसीट दिया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुलगुले जी आप? नहीं, क्योंकि तू ही कह रहे हैं ना, शर्म आ रही है ना तुझे बताने में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोल ना, बोल बोल, क्या बात है, बोल तो दे। भैया आप नाराज मत होइए, बात ऐसी है ना कि आप सुनेंगे ना तो आपका ये गुस्सा जो है ऐसे ऐसे उड़न छू हो जाएगा। वेल रियली तो बता ना यार। गुलगुले जी, भैया मेरी शादी तय हो गई है। क्या बात कर रहे बिल्लू, तेरी शादी तय हो गई, मतलब कमाल है यार, मतलब मुबारक हो यार, मुबारक हो यार, टू गुड यार, टू गुड। Well, बिल्लू तूने कर दिया मुझे हैप्पी इज़ द, बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज़ द।
और भैया पता है आपको, कल ही लड़की वाले यहाँ चौकी में आने वाले मुझे देखने को और लड़की को मुझे दिखाने को, और मैं बहुत बहुत मैं नर्वस आ रहा हूँ गुलगुले जी। अरे तो इसमें नर्वस आने वाली कौन सी बात है यार, मतलब जब यहाँ पर मुलायम सिंह गुलगुले है तो डरने की क्या बात है यार। नहीं लेकिन मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है गुलगुले जी। गुलगुले जी मैं सोच रहा हूँ कि कल जब लड़की यहाँ पर आएगी तो मैं उससे क्या पूछूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया आप मेरी कुछ मदद करिए ना। Well, sure is the, लता रफी किशोर is the। तुम लड़की से पूछना अगर उसका पति दो टिका के गटर के पास गिर जाए क्या वो उसको संभाल देगी। भैया इस तरह के सवाल ना आप जैसे कल्चर्ड लोग ही पूछ सकते हैं। Well, आप मेरी शादी होने से पहले ही तोड़वा देंगे। तू किससे पूछ रहा है यार बिल्लू। मैं बताता हूँ, देखो एक बार आएगी ना तो तू उससे पूछना कि भाई तुम्हें चाय बनानी आती है, फिर तुम पूछना कि यार तुम्हें खाने में अच्छा बनाना क्या आता है, फिर तुम पूछना कि घर की साफ सफाई कर लेती हो तुम, फिर पूछना कि तुम बर्तन धो लेती हो क्या ठीक से। बिल्कुल जी मैं पत्नी ढूंढ रहा हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं, मैं मैनेज खुद कर लूंगा, बस एक बार ये रिश्ता जम जाए ना तो निपट हम जाए। अरे तू चिंता मत कर यार, तेरा रिश्ता जम जाएगा। ए भाई लड़के को तो बुलाइए। बिल्लू आ गया। हाँ मैं Very confident. हमारे सारा साहब बहुत confident। ये है जी माल। पार्टी बॉय बॉय वो क्या है जी कि मेरा जो साला है ना बिल्लू वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर चिराग लेके भी उसको मार्केट में ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। हेलो चिराग, कहाँ है तू यार, सब तुझे ढूंढ रहे हैं। ओ घर पे ही है सर। जी हम भी यही चाहते हैं कि लड़का चाहे धन दौलत से कुछ कम हो लेकिन उसका चरित्र यानी कि कैरेक्टर ट्रैक्टर की तरह सॉलिड हो पिंकी के पर्स में। Well, bro, who the he the pinky is the? मेरी एक girlfriend का नाम था Chinky is the. चुप। ये पापा। दादाजी, pinky मतलब कि हम, मतलब कि इनकी पत्नी, मतलब कि इसकी मम्मी, मतलब कि हमारा नाम है pinky। राज वो बड़ा अच्छा बनाती हूँ। अरे? और तो मैं राजमा बड़ा अच्छा खाता हूँ। अच्छा? देखिए अब ये आना जाना खाना ये बातें तो होती रहेंगी, बस एक बार इनका रिश्ता पक्का हो जाए। देखो भैया अगर लड़का लड़की एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो घबराओ मत, शर्माओ मत, पूछ लो, पूरी जिंदगी के सवाल है, पूछ ले भाई। हाँ मुझे पूछना है। हाँ मुझे भी। तो तू पूछ ले पहले। है? मतलब तुम पूछ लो, मैं तो महिलाओं की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। क्या बात है भाई, हमें अपनी लड़की के ऐसा ही लड़का चाहिए था जो महिलाओं की बहुत इज्जत करता। तो ले जाओ इसको। तो बस समझ लीजिएगा ऐसा दामाद आपको मिल गया, दिल का चमन खिल गया। पूछिए ना। मेरे पांच सवाल है। सवाल नंबर एक, तू चाय तो ठीक बनाता है ना। वेल सवाल नंबर दो, खाने
इतने में अच्छा क्या बना लेता है? सवाल नंबर 3, घर के सारे काम आते हैं या नहीं? सवाल नंबर 4, कपड़े तो धोना है ना? सवाल नंबर 5, भूला तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ के आया हूँ? तो मैं कुछ नाच क्या हो जाए भूला। चलो हाँ कहीं घूम के आते हैं। ये क्या हो रहा है? डैडी बैठिए ना। कुछ हुआ था क्या? हुआ था भैया, तूने उन्हें छुआ था। नाचा गया। अरे बंद करो बकवास, मैं ऐसे लड़के से अपनी अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कर सकता जिससे मेरी बीवी कोई खतरा हो। अब वो क्या है जी कि मेरे साले को ना जरा भूलने की बीमारी है। तो उससे कहिए वो हम लोगों को भूल जाए। हम तो आप लोगों को ऑलरेडी भूल चुके हैं। और अगर आपका साला बीमार है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, उसकी बीमारी हटाइए। ये 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 पिंकी के पर्स में। अरे चलो जी, चल चल चल। अंकल सुनिए। अरे चबरा जी, चल चल। अरे चलो जी। अरे बिल्लू मेरे साले, अरे बेटे चिंता मत कर, तेरा जीजू अभी तक जिंदा है ना? इसी बात की तो चिंता है कि आप अभी तक जिंदा हो। क्या पकड़ा? नहीं मेरा मतलब है कि इतनी मुश्किलों से तो एक रिश्ता हाथ आया था, वो भी निकल गया ना। अब तो मेरा तो जीजा और जीना दोनों बेकार है। चुप। बिल्लू अबे ऐसी बात क्यों कर रहा है बे? अच्छा खासा गबरू जवान है तू, हजारों रिश्ते आएंगे बे। कल ही ऐड देते ना पेपर में, देख क्या लाइन लग जाती है। ये आइडिया सही है सर। मतलब ये आइडिया सही है सर, पेपर में ऐड देते फिर तू देख कितने लड़कियों के रिश्ते आते तेरे लिए बिल्लू, तू देख। लो भैया हम आ गए अपनी बिटिया के संग पल्लू घुमा के। डैडी राजस्थानी है। अरे ये आप कैसे करते हो, जरा हमें भी सिखाओ ना, ये कैसे होता है ये? सिखाओ कई। हाँ वैसे नहीं बे, ये यहाँ मेरी शादी टूट गई, किस्मत रूठ गई, अरमानों की मटकी फूट गई, और आप लोगों को मजाक मस्ती सोच रही है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। तो रोका किसने तेरे को? हाँ जा। अरे सर हार्टलेस। ए भैया इसे क्या है गया है पल्लू घुमा के? वाला इसकी शादी होते होते टूट गई। इसके भी सॉरी सर। मेरे
प्यारे साले बिल्लू साहब, अरे आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया। क्या? कि आप संन्यास लेके जंगल जा रहे हैं? नहीं बताता मैं तेरे को। सर क्या? सर मुझे छोड़िए ना सर, वो तो उसका दिल टूटा है इसलिए जरा सा उदास है। आप अच्छी खबर जो लाए हैं बताइए ना सर, क्या खबर है? या व्हाट इज खबर? वो खबर ये है कि आज हमारे बिल्लू साहब के लिए एक नया रिश्ता आने वाला। सच? क्या? जी जो आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देख के तुम्हें पसंद किया है। लड़की लड़की का फादर और लड़की का भाई तीनों सगाई की बात पक्की करने के लिए यहाँ रहे। बस आते ही होंगे। अरे आते होंगे क्या? आ गए। आ गए। ये देखिए हम आ गए। खींच दूंगा जोर से। चिंटू उठ गया शोर से। जी मैं हूँ कटरीना का फादर। सब करते हैं मेरा आदर क्योंकि खींच दूंगा जोर से। चिंटू उठ गया शोर से। एक मिनट यार कैटरीना के फादर है आप? बिल्लू मतलब तेरी तो किस्मत मतलब निकल पड़ी यार। तेरी तो तेरी शादी कैटरीना के साथ हो रही है। कैटरीना कैफ? नहीं सर, कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना कुशवाहा, यानी कि मेरी बहन जो सामने खड़ी है, खूबसूरत बड़ी है। बाकी मैं हूं गप्पू वो सैल, अकल से हूं बैल, सींग धारदार है। ये? अरे बेटा गुसैल, नहीं नहीं गुस्सा नहीं करते। देखो क्या है कि अब ये लोग हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। खींच दूंगा जोर से। चिंटू उठ गया शोर से। क्या ये? ए भाई लड़का तो हमें पसंद है। ये जीजू मुझे भी लड़की पसंद है। क्या बात, कल ही आएगी वो रात जब होगी इन दोनों की सगाई। Well, जब लड़का लड़की राजी इज़दा तो क्या करेगा पाजी इज़दा। हाँ वो तो अब कल सगाई हो ही जाए। बस जरा वो आप जरा देख लीजिएगा कि खाने में कुछ बढ़िया चीजें बने। बस चला गुलगुले। लगता है शहर में अकाल पड़ गया था जिस दिन तू पैदा हुआ था। 24 घंटे खाना। ठीक है जी, हम वक्त पे आपके बताई हुई जगह पे पहुंच जाएंगे। हाँ सर टाइम पे ही आ जाना जी। डैडी तो हम चलते हैं हॉल वाले के पास और मैरिज हॉल में ना बुकिंग कर लेते हैं हॉल की। और अगर अगर बुकिंग करने वाले ने जरा भी चू चपड़ कर दी तो मैं उसकी इतनी पिलाई करूंगा, उसका हुलिया टाइट कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं हूं गप्पू वो सैल, अकल से हूं बैल, सींग धारदार। हाँ ठीक है, देखिए हम तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग और जो भी आपके मेहमान वगैरह होने वाले ना, उनसे कह देना कि अच्छे से जरा सोना होना पहन के आए, क्योंकि हमारे जितने मेहमान होने वाले सब करोड़पति हैं, करोड़पति। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी ऐसे वैसे कंगलों के यहाँ अपनी बेटी ब्याह दी। एक्सक्यूज मी होने वाले ससुर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भले ही मेरे जीजू शक्ल से एक नंबर के उठाई गिरे, लीचड़ घटिया खाइया मुफ्त खोर सड़क छाप लगते हो लेकिन ये किसी से कम नहीं है, बहुत दाव रखा है। कल देखना आप लोग हम लोग कितना सोना पहन कर आते हैं। हाँ समझ सकता हूँ। खींच दूंगा जोर से। चिंटू उठ गया शोर से। चलो अब चलते हैं, कल इंतजार करेंगे। चलो बेटा चलो। थैंक यू। हाँ
क्या बात है, ये देखो ये देखो, एक और हो गया हो गया। ये देखिए अंगूठी, चांदी की घड़ी, चांदी की, चांदी की। बाबा आप लोगों ने हमारी इज्जत रख ली, खूब जेवर पहन के आए हैं। हाँ पापा, दिखाओ ना जीजू, अभी सोने का पट्टा पहन के आए हैं। अच्छा है, बहुत शरबत पिएगा कि नहीं? चुप, तमाशा हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदानी परंपरा को तोड़ने की? ध्यान से सुन लो, हमारे यहाँ खानदानी रिवाज है, बिना शरबत पिए ना कोई सगाई होती है ना कोई शादी। मैं गुस्सेल हूँ, अकल से बैल हूँ, सींग धारदार है। अरे गुस्सेल भाई साहब, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं अब शरबत नहीं पीऊंगा, मैं कुछ भी पी जाऊंगा भाई, लेके आओ शरबत। शरबत लेके आओ, अरे मग में लेके आओ भाई, पिलाओ मुझे, ये मार डालेंगे। लेके आओ भाई, जल्दी लेके आओ, इसको दो, पी पी, सबको शरबत पिलाओ। और कोई है जो यहाँ शरबत नहीं पिएगा? सबको शरबत पिलाओ, वरना छिड़ जाएगा मेरा गुस्से का पर्वत। मैं हूँ गुस्सेल, अकल से हूँ बैल, सिंह धारदार है। ले आओ, ले आओ, इधर दे, लाओ 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 लाओ, सबको दे, दे दो दे दो शरबत। लो लो, पीछे दे पीछे, कोई भी बिना शरबत पिए नहीं जाएगा। अरे बेटा गुस्सेल, अपना गुस्सा पी जा, देख ए, सब लोग शरबत पीने लगे हैं। अरे अरे जल्दी जल्दी शरबत पी लो, वरना खींच दूंगा जोर से। ए, चिंटू उठ गया शोर से। अरे लगता है ये दादाजी नहीं पीना चाहते शरबत। मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो दो पीऊंगा। दो लाओ यार, कहाँ है, लाओ जल्दी लाओ। अरे ला, काले साहब मेरे लिए आया ही नहीं है शरबत। अरे मैं पिलाती हूँ ना, ये लो ना। आप पियो पियो। अंकल जी खानदान की परंपरा का सवाल है, शरबत सर पीजिए ना प्लीज। पीरे बे, पीरे 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 पी लीजिए, बहुत अच्छा है, एकदम असली है। फेवरेट है मेरा ये वाला, ऑरेंज असली है। शरबत के लिए इतना? हाँ, खानदानी परंपरा है ना हमारी। क्या हुआ? कुछ मजा सा आ रहा है। बहुत मजा आएगा अभी, बहुत मजा आएगा अभी तो। मम्मी जी, सब लोग बेहोश हो गए। चलो अब जल्दी जल्दी सबके जेवर निकालो, और इस दादाजी का ये बड़ा वाला भी निकाल, लगता है अपनी बीवी का जेवर पहन के आया। निकाल जल्दी, काफी भारी है ये भी निकाल। डैडी ये देखो कितना अच्छा है। हाँ निकालना। वेल, वो गए हैं हमें लूट इस दा, शरबत का पिला के घूट इस दा। सारा का सारा सोना लूट के रफू चक्कर हो गए यार। सर बड़े शर्म की बात है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे उन सबको। अगर ये बात बाहर निकल गई तो मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर वालों को? किसको सर? नहीं उधर नहीं, ऊपर वालों को, गवर्नमेंट को। सर आप फिक्र मत करिए सर, हम वहां जाने देंगे ही नहीं बात। हमने उन सब की फोटो ले ली है सर, हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जा ये डैडी राजस्थानी है। अरे हाँ, ये तो वही लुटेरे जिन्होंने हम दोनों गौ जैसी माँ बेटी के सारे गहने लूट लिए पल्लू कुमार के। वही लोग हैं।
ओ, इसका मतलब कचौड़ी के बजाय इस बार लोग ने शरबत का सहारा लिया और हमें लूट के चले गए। लेकिन फिक्र मत करिए, हम ये सारे फोटो सारे चौकी में भिजवा देंगे और उन सारे लोगों को पकड़ लेंगे। लेकिन दरोगा बाबू, हम तो बदनाम है गई ना। अरे हमारी बिटिया बाराबंकी जाके क्या मुंह दिखाएगी पल्लू घुमा के। पेशेंट बेबी, पेशेंट, पेशेंट, या दिस वन। बस बिल्लू बस, अब तेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, जिस इंसान की अभी तक शादी नहीं हो पाई है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है, उसका जीना भी कोई जीना है क्या? उसे तो मर ही जाना चाहिए। आज मैं अपनी जान दे के रहूंगा। आज मैं भी अड्डे से अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरी शादी तो अब कौन ही होनी, डैडी राजस्थानी है। अरे बिलोटी, तुम यहाँ क्या सुसाइड करने आई हो क्या? नहीं तो कोई अट्टे दाल बाटी चूरमा बनाने आई हूँ कहीं। पर आप अट्टे कहीं करवाया हो? मैं भी यहाँ पे सुसाइड करने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि वो छोड़ दो खैर। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, एक से भले दो। अब हम दोनों मिलके ना मास सुसाइड कर लेते हैं, फिर भगवान के घर तक का रास्ता अच्छे से बातें करते करते कट जाएगा। थे बात तो एकदम ठीक कह रही हो, माने मंजूर है। तो ठीक है, मैं तीन तक गिनूंगा और मेरे तीन बोलते ही हम दोनों यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देंगे। नहीं। तीन। अरे ये मारे तो बस है। से एक बात कहूं, तुम्हारा नाम बिलोटी मुझे बहुत पसंद आया। मने भी था को बिल्लू नाम घड़ो अच्छो लागियो, डैडी राजस्थानी है। ये जो तुम चूरन खा के चटकारे लेने वाली आवाजें निकालती हो ना, चल हट, चल हट, चल हट, कैसे करती हो ये? ऐसे मुश्किल से निकलना पड़ता। आओ भाई, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद सफर लंबा है। खींच दूंगा जोर से, चिंटू उठ गया शोर। अरे अरे अरे, मैं कह रहा हूँ कि पांच कुंडलियां आ चुकी हैं, उनकी शादी कब फिक्स करानी है? सिंह धारदार वो सब बाद में देखेंगे, पहले मुझे मेरा हिस्सा दो। अरे देखो, हिस्सा भी दे देंगे, यही दे दे सबके सामने। अरे चलो कुछ खा लेते हैं पहले, फिर हिस्सा भी दे देंगे यार। बिलोटी, पहचाना इन्हें? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें सगाई के नाम पे लूटा है। ये तो वही लोग हैं। मरने से पहले कानून की एक आखिरी सेवा तो करता जाऊं। हेलो सर। सर आप यहाँ? अरे अरे अरे, मैं गप्पू गुस्सेल अकल से हूँ, बैल सिंह धारदार है। खींच दूंगा जोर से, चिंटू उठ गया शोर से। शराफत से खुद ब खुद जाके पुलिस की गाड़ी में बैठ जा।
यू गाइस अंडर. अरे जी सर आओ जल्दी आओ. कहीं देख रहे हो? यही देख रहा हूँ कि मैंने पहले तुम्हें इतने गौर से क्यों नहीं देखा, और अब जब देख रहा हूँ तो मरने जा रहा हूँ. मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ कि पहले मैं कूद जाता हूँ, क्योंकि मुझसे तुम्हारी मौत देखी नहीं जाएगी. नहीं नहीं, मैं भी आपने मरता हुआ नहीं देख सकूँ हूँ. हम साथ साथ मर सकते हैं जब, तो साथ साथ जी क्यों नहीं सकते बिलौटी? हाँ बिल्लू, वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसी सीधी साधी भोली भाली लड़की की तलाश थी, जिसके साथ मैं शादी करके उसे अपनी वाइफ बना के अपनी लाइफ शांति से बिता सकूं, और अब वो मुझे मिल गई है. नीचे उतारोगे तब हम कुछ बात कर पाएंगे. उतारेंगे भैया, पहले अपने कान पकड़ो और फिर मोड़ो. कुछ हुआ था क्या सर? अबे वो तो अच्छा, हम क्रिकेट में अच्छे हैं, वरना तुम्हारा क्लीन बोल्ड हो जाता. उतारे. थैंक यू सर. बिलौटी You're most welcome. आप एक नंबर के वो हैं. नॉटी यार. Well, रब ने बना दी जोड़ी इसदा, ये कील और ये हथौड़ी इसदा. कभी सोचा नहीं था कि इस तरह इन दोनों का एक दिन रिश्ता तय हो जाएगा. चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा. साले मेरे प्यारे साले बिल्लू, आज मुझे बहुत खुशी है कि तुझे इतनी सीधी और सुशील पत्नी मिल रही है, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि तुम्हें इतनी सुंदर और सुशील सास मिल रही है. आप बड़े वो हैं. रोटी. हमें शर्मिंदा कर रहे हैं पल्लू घुमा के. तो बस अब अगले हफ्ते होगी बिल्लू और बिलौटी की शादी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.